दिल्ली में चुनावों का मौसम है, सियासत गर्मा रही है। हालांकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लड़ाई केजरीवाल और जगदीश मुखी के बीच है। इसी को लेकर एक नया पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। देखिए आज तक संवाददाता रजत सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना चिर परिचित ऑटो पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया है आज से। हम इस वक्त सीपी में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो ऑटो यूनियन आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक जो देखने वाली बात है, बीजेपी ने भले ही अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला जगदीश मुखी से है और यही प्रचार किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब से सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा, बीजेपी ने अब तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, फिर पोस्टर में केजरीवाल या जगदीश मुखी क्यों लिखा है? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है इसलिए आप पहले से ही लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मुकाबला जगदीश मुखी से? हम दिल्ली की जनता को ये बताना चाह रहे हैं सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी उनके नाम पे इलेक्शन लड़ के हाँ क्या दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है हमारे समझ की बाहर। क्या डर है क्या इसलिए जगदीश, क्योंकि उन्होंने तो नाम नहीं दिया जगदीश मुखी। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के जनता के हितों के लिए बात कर रहे हैं, दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें। और दूसरी बात यह है कि जब भाजपा सरकार बनाने की प्रयास कर रही थी उन दिनों में जगदीश मुखी साहब का नाम चर्चा में था। इस बार ये पोस्टर कितना सफल होता है, पोस्टर कैंपेन ऑटो यूनियन का, ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि पिछली बार एक बड़ा तबका था जो इससे प्रभावित हुआ था और ये सुपर हिट कैंपेन रहा था। लेकिन इस बार यहाँ वो संख्या जरूर नहीं दिख रही, लेकिन इनका कहना है कि आगे आने वाले दिनों में संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।